एक सीकर ने प्रश्न पूछा है, समय के साथ प्रेम संबंध इतना विकृत रूप क्यों ले लेता है? देखिए, जहां तक विकृति का सवाल है, तो विकृति हमेशा विकास की कमी की वजह से आती है, और प्रेम संबंध भी इसका अपवाद नहीं है। तो अगर प्रेम संबंध में विकास नहीं होगा, तो प्रेम में विकृति धीरे धीरे आ जाएगी। देखिए, प्रेम में दूसरे के ऊपर मुग्धता और दूसरे के प्रति आसक्ति, इसे विकृति नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये प्रेम के शुरुआत का और प्रेम का नैसर्गिक स्वाभाविक गुण है। तो इसलिए आप इसको विकृति नहीं कह सकते। तो फिर विकृति किसे कहते हैं? देखिए, विकृति को जो है मूलतः दो पार्ट्स में स्टडी कर सकते हैं। पहला, आत्ममुग्धता के ऊपर आधारित विकृति या नार्सिसिस्टिक विकृति, और दूसरी, पर निर्भरता के ऊपर आधारित विकृति या कोडिपेंडेंसी के ऊपर आधारित विकृति। तो ये नार्सिसिस्टिक या आत्ममुग्धता के ऊपर आधारित विकृति क्या है? आत्ममुग्धता के ऊपर आधारित जो विकृति है, ये दूसरे को ऑब्जेक्ट की तरीके से ट्रीट करने की वजह से आती है। जिससे प्रेम करते हैं, उसको व्यक्ति की तरीके से नहीं, बल्कि वस्तु की तरीके से ट्रीट करते हैं। वस्तु की तरीके से दूसरे का मूल्यांकन करने का जो तरीका है, ये नार्सिसिस्टिक विकृति है प्रेम की। क्योंकि इसमें हम अपने आप को इतना इंपॉर्टेंट मानते हैं कि हम दूसरे को व्यक्ति मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तो ये बहुत ही खतरनाक विकृति है, जो कि प्रेम को एक मनोरोग में बदल देती है, मनोरोगी बना देती है। आत्ममुग्धता के ऊपर आधारित दूसरी जो विकृति है, वो ये है कि आप जिससे प्रेम करते हैं, उसके जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं हमेशा। आप बताते हैं कि उसे क्या करना चाहिए, आप बताते हैं कि उसे कहाँ जाना चाहिए, आप जब बताते हैं कि उसे किससे बात करनी चाहिए, किससे बात नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार दूसरे के जीवन को नियंत्रित जो आप करने की कोशिश करते हैं, ये आत्ममुग्धता के ऊपर या नार्सिसिज्म के ऊपर आधारित दूसरी विकृति। और तीसरी विकृति, जिसको कि जनरली ऑब्जर्व नहीं करते हैं, ये भी आत्ममुग्धता के ऊपर आधारित विकृति है। इसमें हम जिसे प्रेम करते हैं, उस व्यक्ति को इस्तेमाल करते हैं अपनी तारीफ करने के लिए, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, और इसके लिए झूठी कहानी का भी प्रयोग करते हैं। घटनाओं को मैनिपुलेट करके व्यक्त करते हैं, ताकि हम अपने हीरोइज्म को व्यक्त कर सकें। तो इस प्रकार दूसरे को हम एक मोहरा बना करके यूज करते हैं, अपने आप को एक विशेष व्यक्ति दिखाने के लिए, अपने आप को एक महत्वपूर्ण व्यक्ति दिखाने के लिए, अपने आप को एक सुपर हीरो बताने के लिए। तो इसमें भी ये नार्सिसिस्टिक विकृति कही जाएगी, क्योंकि ये आत्ममुग्धता के ऊपर आधारित है। इसमें संबंध में हम अपने आप को हमेशा बढ़ा चढ़ा करके दिखाते हैं, और दूसरे को सिर्फ हम इसीलिए यूज करते हैं ताकि हम अपने आप को बढ़ा चढ़ा करके दिखाने का सुख ले सकें। तो ये तीन आत्ममुग्धता या नार्सिसिज्म के ऊपर आधारित विकृतियां हैं। तो पर निर्भरता के ऊपर आधारित विकृति क्या है? पर निर्भरता या कोडिपेंडेंसी के ऊपर आधारित जो विकृति है, वो भी तीन प्रकार की है, और इसका ठीक उल्टा है। कोडिपेंडेंसी या पर निर्भरता के ऊपर आधारित पहली विकृति ये है कि हम अपने आप को दूसरे के द्वारा ऑब्जेक्ट की तरीके से ट्रीट करने दें, या दूसरे के प्रेम में हम अपने आप को एक ऑब्जेक्ट की तरीके से ट्रीट करने लग जाएं, अपने आप को व्यक्ति की तरीके से नहीं, बल्कि अपने आप को वस्तु की तरीके से ट्रीट करने लग जाएं। तो ये है पहली कोडिपेंडेंसी के ऊपर आधारित विकृति। दूसरी कोडिपेंडेंसी के ऊपर आधारित विकृति ये है कि हम दूसरे के ऊपर इतना आधारित हो जाएं, दूसरे के ऊपर इतना निर्भर हो जाएं कि अपने जीवन को दूसरे के नियंत्रण में छोड़ दें। यानी हमारा जीवन दूसरे के ऊपर आधारित हो जाए, दूसरा हमारे जीवन को नियंत्रित या तो करने लग जाए, या दूसरे के हिसाब से हम अपने जीवन को चलाने लग जाए, दूसरे के हिसाब से हम अपने जीवन को नियंत्रित करने लग जाए। और तीसरी जो कोडिपेंडेंसी के ऊपर आधारित विकृति है, वो ये है कि हम दूसरे की प्रशंसा में, दूसरे की तारीफ में अपने आप को हमेशा लगाए रहें, हमेशा प्रेम संबंध को दूसरे की तारीफ के लिए यूज कर लें, बढ़ा चढ़ा करके की जाने वाली तारीफ के लिए यूज कर लें। तो ये तीन कोडिपेंडेंसी के ऊपर आधारित विकृतियां हैं, जो कि प्रेम में दिखाई देती हैं।
जहां तक कोडिपेंडेंसी के ऊपर आधारित विकृति का सवाल है, तो ये पैशन की अधिकता की वजह से होती है। और जब प्रेम में पैशन बहुत ज्यादा हो जाता है तो फिर प्रेम कहाँ लेकर के जाएगा इसका कोई पता नहीं रहता। पैशंस कहाँ पर आपको लेकर के जाएंगे इसका कोई जब ठिकाना नहीं रहता है, तो आपकी जिंदगी जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी हो जाती है, आपकी जिंदगी वेक्टर क्वांटिटी नहीं रह जाती है। अगर हम फिजिक्स की लैंग्वेज में बात करें, स्केलर क्वांटिटी हो जाने का मतलब है आपके जीवन में कोई दिशा नहीं रह जाती, दिशा खत्म हो जाती है। और दिशाहीनता हो जाना एक खतरनाक चीज है, इसीलिए प्रेम में दिशाहीनता का होना एक बड़ी विकृति है। और माँ बाप के प्रेम का इतना विरोध करने का कारण इसी दिशाहीनता का डर है। तो फिर ये जो दो प्रकार की विकृतियां हैं, नार्सिसिस्टिक विकृति और कोडिपेंडेंसी के ऊपर आधारित विकृति, इसमें ज्यादा खतरनाक विकृति कौन सी है? देखिए, कोडिपेंडेंसी के ऊपर आधारित जो विकृति है वो है तो विकृति, लेकिन वो बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है। नार्सिसिज्म के ऊपर आधारित जो विकृति है ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। आत्ममुग्धता के ऊपर आधारित जो व्यक्ति विकृति है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। और इसका मूल कारण ये है कि जब विकृति नार्सिसिज्म के ऊपर आधारित हो, आत्ममुग्धता के ऊपर आधारित हो, तो उसमें कोई सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती, बात बदलाव की कोई संभावना नहीं होती। लेकिन अगर विकृति कोडिपेंडेंसी के ऊपर आधारित है तो उसमें सेल्फ अवेयरनेस हमेशा बनी रहती है, और सेल्फ अवेयरनेस की मदद से कोडिपेंडेंसी की प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है, कोडिपेंडेंसी के ऊपर आधारित विकृति को दूर किया जा सकता है। तो नार्सिसिज्म के ऊपर आधारित जो विकृति है वो ज्यादा खतरनाक है। तो इन विकृतियों को दूर करने के लिए विकास कैसे करें? देखिए, प्रेम में जो विकास है ये विकास तो कुछ इसको एक ब्रीदिंग मैकेनिज्म देता है, सिर्फ एक ब्रीदिंग वॉल्व रिलेशनशिप के अंदर, प्रेम संबंध के अंदर ब्रीदिंग वॉल्व का काम करता है विकास। तो कैसे हम विकास इसका कर सकते हैं? देखिए, विकास की शुरुआत हमेशा दूसरे को स्वतंत्रता देने से होती है। तो आप पहला काम ये करें कि दूसरे व्यक्ति को जो आपका पार्टनर है उसको स्वतंत्रता दें, जैसे चाहे वैसे रहे, जो चाहे वो करे, अपने जीवन को जैसे चाहे वैसे जीने लग जाए, आप उसके जीवन को नियंत्रित करना बंद कर दें। तो ये तो पहला स्टेप है। दूसरी बात, अपने आप को अपनी तारीफ करना बंद करें, झूठी घटनाओं को संबंध के अंदर मत ले आए, झूठी घटनाओं के द्वारा अपने आप को बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करना बंद कर दें। और तीसरी चीज है, अब दूसरे व्यक्ति को कभी भी ऑब्जेक्ट की तरीके से ट्रीट ना करें, वस्तु की तरीके से ट्रीट ना करें, उसको हमेशा व्यक्ति की तरीके से ट्रीट करें, सम्मानजनक ट्रीटमेंट उसको दें। तो जब आप इस प्रकार जीने की कोशिश करते हैं, सुनने में आसान लगता है लेकिन यह है बहुत कठिन, ये पूरे व्यक्तित्व को ही आपके तोड़ सकता है। तो ये कठिन तरीका है, और चूंकि प्रेम में लोग ये कठिन तरीका कभी नहीं अपनाते हैं, इसीलिए कभी प्रेम का विकास नहीं हो पाता। और चूंकि प्रेम का विकास नहीं हो पाता, तो प्रेम में विकास लाने की बजाय एक शॉर्टकट अपनाते हैं और प्रेम को ही बुरा भला कहने लग जाते हैं। प्रेम बुरा बुरा भला नहीं है, प्रेम के अंदर की विकृतियां बुरी हैं। तो विकृतियों का विरोध करना चाहिए, ना कि प्रेम का। इनफैक्ट विकृतियों का भी विरोध नहीं किया जाना चाहिए, विकृतियों को विकास में बदलने का अवसर दिया जाना चाहिए, ताकि विकृतियों को विकास में बदला जा सके। तो अब अगर हम ये नार्सिसिज्म के ऊपर आधारित जो विकृतियां हैं इनको दूर करने के लिए प्रयास करते हैं, तो फिर कोडिपेंडेंसी के ऊपर आधारित जो विकृतियां हैं उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, कोडिपेंडेंसी के ऊपर आधारित विकृतियों को दूर करने की जरूरत नहीं है, नार्सिसिज्म के ऊपर आधारित आत्ममुग्धता के ऊपर आधारित विकृतियों को दूर कर लीजिए, तो कोडिपेंडेंसी के ऊपर आधारित विकृतियां उसी पैकेज में इंक्लूडेड है, ये अपने आप धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाएंगी। इस प्रकार जब आप रिलेशनशिप में दूसरे का नियंत्रण करना बंद कर देते हैं तो रिलेशनशिप में विकास आना शुरू हो जाता है, और ये विकास डिफॉर्मिटीज को धीरे धीरे दूर करना शुरू कर देता है। जहां तक भारतीय शास्त्रों का संबंध है, इसमें बहुत सारी घटनाएं हम ऐसे सुनते हैं कि कोई तपस्वी जो है तपस्या कर रहा है और स्वर्ग से कोई अप्सरा उतरी और उसने उसकी तपस्या भंग कर दी। तो ये प्रेम के द्वारा तपस्या को भंग करने का जो एग्जाम्पल शास्त्र में हम लोग पढ़ते हैं, ये तपस्या को भंग करने का जो नेगेटिव इंटरप्रिटेशन है प्रेम संबंध का, ये बहुत ही ओवर सिंप्लीफाइड ओवर सिंप्लीफिकेशन है प्रेम संबंध का।
एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि ये तपस्या नहीं भंग करने का तरीका है, क्योंकि जीवन कभी भी किसी की तपस्या नहीं भंग करता। जीवन तो विकास को हमेशा ले आता है, जीवन हमेशा विकास को ले आने का द्योतक है, जीवन हमेशा विकास लाता है, जीवन हमेशा विकास करता है। तो जीवन किसी की तपस्या कैसे भंग कर सकता है? जीवन कुछ भी अगर कर रहा है तो वो भले के लिए ही कर रहा है, वो पूर्णता की तरफ हमें ले जाने के लिए ही कर रहा है। तो तपस्या भंग करना ये ओवर सिंप्लीफिकेशन है। वास्तविक जो इसका इंटरप्रिटेशन है वो कुछ इस तरीके से हो सकता है कि प्रेम संबंध तपस्या के द्वारा जो ईगो पैदा हो जाता है पर्सनैलिटी में, जो ग्रे रॉक्स पैदा हो जाती हैं, उन ग्रे रॉक्स को तोड़ने का एक प्रभावी तरीका है, अचूक तरीका है, लेकिन खतरनाक तरीका है। तो ये प्रेम संबंध जो है पर्सनैलिटी के अंदर की जब रॉक्स को तोड़ देता है, क्योंकि ईगो के ऊपर प्रेम सीधे अटैक करता है, तो जब प्रेम की वजह से ईगो टूट जाता है तो उससे क्या होता है, उससे ईगो डिफ्यूज होना शुरू हो जाता है, और डिफ्यूज होने से आपके इमोशनल सेंटर का विकास होने लग जाता है। अगर इमोशनल सेंटर विकसित नहीं है तो आप इंटेलेक्चुअली बहुत ही स्ट्रांग रहेंगे, आपका ईगो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन पूर्णता में हमेशा कुछ कमी रह जाएगी। पूर्णता तभी आ पाती है पूरी तरीके से जब आपके इमोशनल सेंटर का विकास हो सके, और ये प्रेम इमोशनल सेंटर का विकास करने का बहुत ही अचूक तरीका है। ये खतरनाक इसलिए है क्योंकि अगर इस प्रेम का विकास ना किया जाए तो वो हमेशा विकृतियां लेकर के आता है, और वो विकृतियां खतरनाक हो सकती हैं। लेकिन अगर इसको एक अवसर बना करके यूज किया जाता हमारे तपस्वियों के द्वारा, इसे तपस्या भंग करने की दृष्टि से इंटरप्रेट ना करके इसे एक अवसर की तरीके से इस्तेमाल कर लिया जाता, दूसरे को स्वतंत्रता दे करके अपने ईगो के अंदर की जो ग्रे रॉक्स है उनको ब्रेक करने का काम किया जाता, ईगो के अंदर जो नार्सिसिज्म तपस्या की वजह से आ जा रहा है उसको ब्रेक करने का काम किया जाता, तो ये इसे इमोशनल सेंटर का विकास करने की दृष्टि से यूज किया जा सकता है। और जब इंटेलेक्चुअल सेंटर के साथ साथ इमोशनल सेंटर का भी विकास हो जाता है तब पूर्णता पूरी तरीके से जीवन में आ पाती है। ऐसी ही पूर्णता श्री कृष्ण भगवान के जीवन में थी।